पूरे बदन में दर्द, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। कुछ दिन पहले मेरी एक फोन के ऊपर अपॉइंटमेंट थी, उसमें वो एक लड़का कॉल पे आ गया। यूजुअली मैं अक्सर ऑडियो कॉल करता हूँ, जब अच्छी कनेक्टिविटी रहती है तो वीडियो कॉल करता हूँ। उसके साथ में मैं वीडियो कॉल पे आया, तो वीडियो कॉल पे उसने सब मुझे बताया। और उसका मेन ये था, मेन तकलीफ ये थी कि पूरे बदन में दर्द हो रहा है। पैर में दर्द, हाथों में दर्द, ज़्यादातर पेट में दर्द, सिर में दर्द, और ऐसा बहुत ऐसा लगता है कि कोई इच्छा नहीं है काम करने की, और बड़े मुश्किल से काम करते रहता है। अरे 2 साल से चालू है। उसने सब तरह की जांच कर लिया। मैं जो भी उसको पूछा कि ये कर लिया क्या, मतलब हाँ, मैंने पूछा थायराइड की जांच कर लिया, बोले हाँ कर लिया। मतलब ये ब्लड टेस्ट किया है, बोले सब किया है, बताता मैं आपको रिपोर्ट। उसने सब बताया, सीरम सोडियम पोटेशियम से लेके क्रिएटिनिन, शुगर, लिवर की सब टेस्ट। अच्छा, मैंने बोला भाई एक्सरे चेस्ट, हाँ वो भी किया हुआ है, एब्डोमिनल यूएसजी, अच्छा वो भी किया हुआ है, सोनोग्राफी एब्डोमिन की, सीटी स्कैन वो भी किया हुआ है, सब नॉर्मल रिपोर्ट है, और कुछ मिलता नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि भाई अभी ऐसा है कि ये क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर हो सकता है, और ये डिप्रेशन का भी एक वेरिएंट हो सकता है। तो आप देखो कि भाई क्या हो रहा है, ऐसा कहाँ शुरुआत कहाँ से हो गई, कुछ ऐसा मिल रहा है क्या आपको ऐसा कि जहाँ से आपका ओरिजिन है ये बॉडी पेन का। तो ऐसा कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था, कुछ बचपन की वो कहानी बता रहा था कि पिताजी ने बहुत पिटाई किया था, कोई झूठ बोल दिया उसने, झूठ बोल के उसने गुब्बारा लाया खरीद के, घर से चोरी किया पैसे की, गुब्बारा लाया, और गुब्बारा लाने के बाद में उसको पूछा कि भाई कहाँ से लाया, बोले मेरे दोस्त ने दिया, बाद में मालूम पड़ा है घर से ही पैसे लेके गया था। तो चीज़ बहुत छोटी थी, मतलब रुपए बहुत छोटे थे, ऐसा कोई खास अमाउंट नहीं थी, तभी भी पिताजी ने बहुत ठोकाई किया, और वो उसके दिमाग में था, और पता नहीं वो हो गया या और कुछ हो गया, या असफलता का डर है, या ऐसा डर है कि भाई मैं बिजनेस में कुछ लॉस करूंगा या आगे पढ़ाई नहीं करूंगा। ऐसे हादसे उसके दिमाग में होते गए कि वो उसको बॉडी पेन चालू हो गया। जैसे पूरा पूरे बदन में दर्द हो रहा है, तो फिर बाहर आना जाना अर्थात बंद हो गया, घर में बैठो, खाना खाओ और आराम से लेटे रहो, कुछ काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि दर्द ही बहुत हो रहा है। सब तरह की दवाई लेके देखा मगर कुछ फ़ायदा नहीं। मैंने उसको सजेस्ट किया, मैंने बोला भाई आप सब रिपोर्ट मुझे भेजो व्हाट्सएप पे, और फिर मैं बताता हूँ आपको क्या करना। फिर मैंने सब उसके रिपोर्ट्स देखे, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। उसको मैंने एंटी डिप्रेशन दवाई दिया और उसको काउंसिलिंग के लिए कहा। मैंने बोला भाई आपको मैं सम्मोहन उपचार करूंगा हिप्नोटिज्म का, बोले हाँ हिप्नोटिज्म किया है। मतलब भाई नहीं, मैं जो करता हूँ वो है NLP हिप्नोटिज्म, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एंड हिप्नो काउंसिलिंग, तो वो हमको करना पड़ेगा। और एंटी डिप्रेशन आपको जो भी दिया हुआ है, जो भी दवाई दिया है, वो छोटी मात्रा में दिया, कम मात्रा में दिया है, तो मैं चाहूँगा कि वो ज़्यादा मात्रा में दवाई देंगे। और फिर बोले ठीक है मैं करता हूँ। तो उसको मैंने फिर दवाई भी भेज दिया यहाँ से, और उसको प्रिस्क्रिप्शन भेजा ताकि वो वहाँ दवाई ले सके। उसके सब रिपोर्ट जांच देखने का सब नॉर्मल थे, और उसको देखा भी था मैंने, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और वो सब करने के बाद में उसने वो ट्रीटमेंट लेना चालू कर दिया। 15 दिन बाद में उसका फ़ोन आया कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, 50% फ़ायदा हो रहा है। तो मुझे भी अच्छा लगा, मतलब भाई चलो अभी आपको कुछ ख्याल में आ रहा है, क्यों ऐसा हो गया? तो बोले कुछ भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, मगर ऐसा हुआ है कि भाई दर्द हुआ और वो डिप्रेशन से उसकी शुरुआत हुई है। कुछ तो भी याद आया, बचपन की कुछ यादें याद आई, है ना, और वहाँ से फिर शुरू हो गया। मेरा बोलने का ये है कि ऐसे काफ़ी लोगों को बीमारी है जिनको बदन में दर्द है। बहुत सारी लेडीज ऐसी है जो गृहिणी है, उनको कमर में दर्द, पीठ में दर्द, सिर में दर्द, हर बॉडी में जहाँ वहाँ दर्द होते रहता है, और वो डिप्रेशन की निशानी हो सकती है। कुछ लोगों को डिप्रेशन सिर्फ दर्द के रूप में बाहर दिखाई देता है, एक्चुअली उनको नर्वसनेस, डिप्रेशन, दुखी रहना ऐसा रहता ही है, मगर ज़्यादातर उनका बॉडी एक्स एंड पेन्स, बदन में दर्द, उसमें उनको ज़्यादा तकलीफ होती रहती है। फिर उसके साथ मेरे खाना नहीं खाना, भूख नहीं लगना, ऐसा भी रहता है। तो ये लोगों को अच्छी दवाई दिया और इनफ मेडिकेशन, मतलब इनफ डोज, अच्छी मात्रा में दवाई, अच्छी दवाई मतलब अच्छी मात्रा में दवाई दिया, तो उसका बहुत फ़ायदा हो जाएगा और ये लोग काम पे लग जाएंगे। ये जो मैंने बोला, उसका 1 महीने के बाद में और फ़ोन आया, बोले अभी मैंने काम की भी शुरुआत कर लिया है और मुझे कभी ऐसा इतना अच्छा लगा नहीं, उतना भी अच्छा मुझे लग रहा है। ये हो सकता है कि जैसा मैंने बताया कि ये डोपामिन, मतलब केमिकल हो जाए जो है ना डोपामिन का, कि डोपामिन लेवल्स जो है वो कम हो जाते हैं, डोपामिन सिक्रीशन, डोपामिन सेंसिटिविटी, फिर ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी, नॉरएपिनेफ्रिन सेंसिटिविटी, सेरोटोनिन जो है उसकी सेंसिटिविटी या उसकी लेवल्स ऐसे कम होने के बाद में ऐसा हो सकता है।
और वो दवाई से ठीक होता है, दवाई से ठीक हो गया हो। तो ये ज़्यादा से लोगों को आप शेयर करो, ताकि कितने सारे ऐसे लोग होंगे कि जो दवाई न लेते हुए सब कुछ नॉर्मल करके बैठे होंगे घर पे, और अच्छे होंगे नहीं ऐसा करके बैठे साल साल दो दो साल से, अपने देश की उत्पादन क्षमता जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि इतने लोग काम में से दूर हो जाते हैं। ये लोग सब अच्छे हो गए तो हमारा देश आगे बढ़ने में बहुत बहुत ही अच्छा होगा, हम प्रगति करेंगे, हमारा पूरा देश आगे बढ़ेगा। कितने सारे लोग ऐसे ये बीमारी से पीछे है, डिप्रेशन की बीमारी से। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू।